जनरल कास्ट का हो, तमिल हो, बंगाली हो, उत्तर प्रदेश का हो, हिंदुस्तान के हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन एक वोट देता है। यह कांग्रेस पार्टी ने किया। गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, अंबेडकर जी ने सालों संघर्ष किया, यह कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने, सबने मिलकर दिया है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए और देश को जैसे पहले राजा चलाते थे वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। हम जनशक्ति की बात करते हैं, लोकशक्ति की बात करते हैं। आप हमारे सारे के सारे कानून देखिए, आजादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ी थी, उनकी पार्टनरशिप थी अंग्रेजों के साथ। लोग भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी। नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी और राजा महाराजाओं के भी खिलाफ थी। यह सच्चाई है। पार्टनरशिप थी राजाओं महाराजाओं की, अंग्रेजों की पार्टनरशिप थी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी। किसके लिए लड़ी थी? गरीब जनता के लिए लड़ी थी। अगर आप यहां साठ सत्तर उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है, यह हमने बदला है और एक बार फिर यह हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके वोट से अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, ये आपकी संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये आपकी संस्थाएं हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं।